see this coming. Guess all you left me like. कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वैसे लॉकडाउन लगा है तो कुछ दिखा नहीं सकते, इसलिए काफी दिन के बाद मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। मैंने लास्ट 5 डेज पहले ब्लॉगिंग की थी, कि क्या दिखाऊँ मैं यहाँ पे आपको, ठीक है? तो इसलिए अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे को भी नहीं मालूम मैं क्या दिखाने वाला हूँ ब्लॉग में, पूरा वीडियो देखना। ज़्यादा लंबी भी नहीं बनाऊँगा क्योंकि कोई कंटेंट ही नहीं है, आप भी बोर हो गए और वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए कुछ ज़्यादा लंबी मैं आज वीडियो नहीं बनाने वाला। जैसे 11 मिनट की वो नहीं बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट की बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और मम्मी के चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो, लिंक विल बी डिस्क्रिप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को, सो लेट्स गो। लॉकडाउन से पहले ना स्केट्स चलाने आते थे, मतलब वो लाइनर्स नहीं आते थे, अगर मैं सही हूँ तो बताना, कि वो एक ही क्या कहते हैं चक्कों वालों को लाइनर्स बोलते हैं, क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है स्केट्स की। तो मेरे पास लोलर्स थे, ठीक है? वो भी मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, ये भी आप मैं दिखा रहा हूँ अभी, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो पुराने हैं बट आज आ रहे हैं मेरे को, और मैंने अपना शू फंसा लिया उस पर। तो चलो देखते हैं, मेरे को आता था वो चलाते ग्राउंड में, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि अब उमरिया में तो हूँ नहीं, तो यहीं चलाता हूँ मैं। देखो ये यहाँ पर, अब अगर यहाँ से गिरा तो बहुत बहुत ज़्यादा ही तेज़ फिसलूँगा, इन फिर भी ट्राई करते हैं। कंटेंट के लिए कुछ नहीं है तो यही करते हैं, इसी बहाने चलाना भी हो जाएगा। तो चलो पहले निकालता हूँ मैं, पता नहीं कहाँ फंसे हैं, वहाँ है, मैंने 2-3 दिन पहले निकाले थे और जूते फंसा दिए थे, तो दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है? फंसाए गाइस मैंने जूते, बाप रे जूते भी अच्छे से नहीं फंसे। तो ये हैं गाइस, ठीक है? ये देखो ये हैं। तो अब ये लोलर्स हैं, क्या हैं आप लोग बताना, क्योंकि मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। शौक था तो मैंने ले लिया, वाकई मेरे को इसकी इतनी नॉलेज नहीं है। तो चलो कैमरे को ट्राइपॉड पे फंसाता हूँ, फिर दिखाता हूँ। अभी से बांधवगढ़ में ही चलाऊंगा, क्योंकि क्या है वहाँ पे ज़मीन में अच्छे से चल जाएगा, टाइल्स क्या चिकनी होती तो फिसलता ही है ये। वैसे प्रैक्टिस वालों को, प्रैक्टिस वाले नहीं फिसलते, वो तो एलिवेटर तक में चला लेते हैं मॉलों के, लेकिन मेरे को बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है इसकी, इसलिए मैंने रख दिया शांति से। मैंने कहा वहीं जाके चलाऊँगा, अभी मैंने उसे कोने में फेंक रखा है, आराम से चलाऊँगा मैं वहाँ जाके, ठीक है? तो चलो अभी कंटेंट तो मिल ही गया मेरे को। यस, आप लोग भी बाहर से आते हो ना तो मास्क पहन के जाया करो, ये पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि सैनिटाइज़र अपने साथ रखा करो, क्या है उसमें आप ही की प्रोटेक्शन होगी और किसी की तो होगी नहीं। मास्क लगाते भी नहीं है और ना मानते हैं, और बाहर ज़रूर जाते हैं, ठीक है? तो सीधी सी बात है, पहली बात तो ये उनके परिवार वाले उनका ध्यान रखें कि उन्हें जाने ही ना दें, और अगर वो कई लोग मूर्ख होते हैं तो वो जाते हैं, तो सीधी सी बात है वो जा रहे हैं तो उनको बोल दो घर आओ ही मत, तुम बाहर ही रहो, बाहर जाने की बहुत पड़ी है तो बाहर ही रहो तुम। तो यही है, तभी आप कोरोना से बच पाओगे यार, क्योंकि कोरोना से कई लोग नहीं मानते, बहुत लोग मानते हैं, मैं बोल रहा हूँ 90% लोग मानते हैं, लेकिन 10% कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं मानते, तो उनका ध्यान परिवार वाले ही रखें, वरना सीधी सी बात है यार, वो जाने उनका काम जाने, ठीक है? तो बस इतना ही बोलने के लिए मैंने ये ऑन किया कैमरा अभी, क्योंकि कई लोग हैं, मैंने भी कई लोगों को देखा कि उनको रोज़ बाहर जाना है, लोग चिल्ला चिल्ला के पागल हो जाएं, लेकिन वो जाएंगे, कई लोग ढीठ होते हैं तो वो जाते हैं, ठीक है? और बाकी आपके ऊपर है यार, आप लोग समझदार हो ही, ठीक है? तो आप लोग बाहर जाया करो तो मास्क लगा के जाओ एटलीस्ट, और अगर रीज़न नहीं है तो क्यों जा रहे हो बार बार, लेकिन कई लोग बिना रीज़न के जाते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, टहलने जा रहे हैं, जब कोरोना से पहले जाते थे टहलने, तो कोरोना के बाद क्यों जा रहे हो टहलने, सीधी सी बात है, लेकिन नहीं मानते कई लोग ये चीज़। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों की सावधानी आपके हाथ में है, तो कोरोना से अगर बचना चाहते हो तो ये आप फॉलो करो इस नियम को, वरना तो क्या आपके ऊपर है। डालना चाहिए अगर आप बाहर से आ रहे हो, कुछ नहीं करो, इतना सा सैनिटाइजर डाल लो, और ये
हाथ धो लो। ये मत करना कि घर में भी सैनिटाइजर डाल रहे हो, घर में आप हाथ भी धो सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई लोग बहुत ही मुंह बंद आते हैं तो घर में भी सैनिटाइजर से हाथ पोंछ सकते हैं। बाहर से आए कि सैनिटाइजर, ऐसा नहीं है। आप बाहर से आए तो प्रॉपर सैनिटाइजर पे भी मत डिपेंड रहो, ये भले ही आपकी रक्षा करता है लेकिन आपके पास जब पानी है, साबुन है, होगा ही ऑब्वियसली, तो यार उससे हाथ धो ना जब घर आ गए हो। घर के बाहर की बात नहीं कर रहा मैं। और सीधी सी बात, दूसरी चीज़ मास्क, तो इसको हमेशा ऐसे लगा के रखो जब भी बाहर जाते हो। बल्कि मैं आज के टाइम पे तो मैं ये बोलूँगा कि दो मास्क लगाओ अगर जान प्यारी है तो, वरना शील्ड लगा लो। सीधी सी बात, शील्ड लगा सकते हो, और अगर गाड़ी के अंदर बैठे हो तो एक मास्क लगा ही लो। वैसे गवर्नमेंट के नियम है, अगर गाड़ी में आप मास्क उतार के बैठे हो, भले आप अकेले भी बैठे हो तब भी आपको फाइन लग ही जाता है, अब तो नियम है, ठीक है। तो आप लोगों को पालन तो करते ही होंगे, कई लोग नहीं करते तो वो उनके, वो खुद जाने अपनी ज़िंदगी। करता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और मम्मी के चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर देना। वहाँ भी वन वीक में एक वीडियो आती रहती है, वरना ज़्यादा से ज़्यादा दो वीक में आती है, लेकिन आ जाती है, ठीक है। तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक विल बी डिस्क्रिप्शन। तो चलो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाय।